तो बच्चों चलो एक और हम लोग टॉपिक देखते हैं और जिसको जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है प्लांट के फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में बहुत बार आप लोग पढ़ते भी हो और होता क्या कि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो आज हम देखते हैं कि उस कंफ्यूजन को हम लोग समझ लेते हैं, वो देख लेते हैं उसको। देखिए बेसिकली अगर मैं फोटोसिंथेसिस की आपको बात करूं, पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर फोटोसिंथेसिस की मैं बात करूं तो टोटल जो फोटोसिंथेसिस होता है ना वो दो बातों पे ही होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन, ठीक, और दूसरा जो होता है वो होता है डार्क रिएक्शन। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो अगर इन शॉर्ट हम कहें तो जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है ना अपना खाना बनाने के लिए, इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। तो वो खाना बनाने का मतलब ये है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस में दो ही प्रोसेस होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है। आप ध्यान से रखना, जब आप क्लोरोप्लास्ट की बात करते हो ना, क्लोरोप्लास्ट की, तो कहने का मतलब ये होता है कि क्लोरोप्लास्ट में दोनों होंगे, बोथ द रिएक्शन अकर इन अ क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों ही रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में होगी। बस यही होगा कि लाइट रिएक्शन होता है थैलेकॉइड में, याद रखना इस बात को कि लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड में और डार्क रिएक्शन कहां पे होगी, स्ट्रोमा में। ठीक, देखो लॉजिक क्या कहता है, जैसे कि लॉजिक ये कहता है कि डार्क मतलब होता है रात, रात मतलब अंधेरा, तो ये कहीं ना कहीं अंधेरा ये थोड़ा सा मैच हमारे करता रहता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा एस का मतलब होता है शाम। अगर हम लॉजिक लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा डार्क और स्ट्रोमा और ये लाइट मेजर थैलेकॉइड में, तो थैलेकॉइड में होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस में दो बेसिकली प्रोसेस होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है और डार्क रिएक्शन। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में। तो हमने देखा क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है, सेमी ऑटोनोमस नेचर को शो करता है। इसके पास थैलेकॉइड होता है, थैलेकॉइड होता है, थैलेकॉइड कंबाइन करके ग्रेना बनाती है, और उसी थैलेकॉइड पे उसी थैलेकॉइड तो कहा जाए वाई थैलेकॉइड, क्यों थैलेकॉइड सेंटर है, सेंटर फॉर लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के लिए थैलेकॉइड क्यों सेंटर है लाइट रिएक्शन के लिए। तो बच्चों इसका सीधा सीधा जो हम आंसर लिखेंगे वो होगा कि पिगमेंट जो होते हैं, पिगमेंट्स आर फाउंड ऑन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। जो भी पिगमेंट पाए जाते हैं वो थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। तो जब पिगमेंट जहां पाए जाएंगे इसका मतलब वहीं तो लाइट रिएक्शन होगी। पिगमेंट का काम क्या होता है कि पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि लाइट को यूटिलाइज करेंगे और उसकी हेल्प से यही लाइट रिएक्शन करेंगे, और ये जो लाइट रिएक्शन में चीजें बनेंगी वही यूटिलाइज होंगी डार्क रिएक्शन में। ठीक है, कहने का मतलब कि जो लाइट रिएक्शन में चीजें बनेंगी वही डार्क रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, लाइट रिएक्शन इन लाइट रिएक्शन क्या बनता है, इन लाइट रिएक्शन एटीपी बनेगा, ठीक, एटीपी बनेगा एंड एनएडीपीएच बनेगा। दो चीजें लाइट रिएक्शन में बनती है और यही यूटिलाइज होगा बच्चों, यूटिलाइज इन डार्क रिएक्शन। तो हम इसको बोलेंगे डार्क रिएक्शन में ये यूटिलाइज होगा। ठीक, अब समझ गए होंगे बात कि लाइट रिएक्शन क्यों जरूरी है। अगर आपसे कहा जाए कि क्यों भाई लाइट रिएक्शन जरूरी है प्लांट के लिए, तो जरूरी इसलिए है क्योंकि उसमें एटीपी और एनएडीपीएच बनेगा और वही जाके यूटिलाइज होगा डार्क रिएक्शन में। आपको सिंपल सा मतलब आपको बताता हूं, जैसे दिन है तो दिन में आदमी कमाता है मतलब एनर्जी को गेन करता है। एनर्जी मतलब क्या, पैसा, पैसा एनर्जी है। लेकिन प्लांट के लिए एनर्जी कौन है, एटीपी। इवन हमारी बॉडी के लिए भी एनर्जी करेंसी एटीपी है। तो जब लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच बन जाएगा उसी को डार्क रिएक्शन में हम यूज करेंगे और उससे खाना बनाएंगे, मतलब कि सिंथेसिस करेंगे ग्लूकोज का या स्टार्च या जो भी है, जो कि फूड बनाएंगे। तो अगर लाइट रिएक्शन ना हो तो डार्क रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, मतलब लाइट रिएक्शन का होना जरूरी है क्योंकि भाई जब तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं होगी तो फूड कैसे बनाओगे। जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं होगा तो सामान कहां से खरीदोगे और फिर कैसे करोगे, फिर कैसे सामान दाल चावल ये सब लाओगे और कैसे करोगे, फिर कैसे बनाओगे। तो आपको पैसा होना जरूरी नहीं है। और ये भी बता दूं तुमको, ऐसा नहीं कि ह्यूमन की तरह तुम जाके उधार मांगोगे, तो प्लांट उधार नहीं मांग सकता किसी से। समझिए, प्लांट ह्यूमन की तरह जाएगा और किसी से बोरो कर लेगा या कुछ उधार लेगा, उस समय कुछ नहीं होता, प्लांट को ही अपना करना होता है। इसीलिए वो लाइट रिएक्शन में क्या करता है,
कि लाइट रिएक्शन में अपना एटीपी और ये सब बनाएगा ये सारी चीजें, और वो डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होगी और फूड फॉर्मेशन होगा। तो अगर बेसिकली मैंने तुम्हें बताया कि फोटोसिंथेसिस में दो टाइप होगा, दो रिएक्शन होंगी, एक लाइट रिएक्शन होंगी, एक डार्क रिएक्शन। अगर बच्चों तुमको अगर वर्ड से ही समझना हो तो आप सीखोगे लाइट रिएक्शन। तो क्यों इसका लाइट रिएक्शन नाम पड़ा? क्यों? क्योंकि ये लाइट को यूटिलाइज करेगी और ये लाइट को यूटिलाइज नहीं करेगी, तो इसको इसके लिए बोलेंगे ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, डिपेंडेंट प्रोसेस है, ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है और ये लाइट इनडिपेंडेंट प्रोसेस है, इनडिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक, तो आपको पता चल गया इसका मतलब। लाइट है तो पिगमेंट है, और पिगमेंट है तो फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तो लाइट रिएक्शन होगी, ठीक है, और लाइट रिएक्शन होगी तो एटीपी एनएडीपीएच बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फोटोसिंथेसिस के लिए। एक बात और मैं बता दूं कि प्लांट में इन प्लांट पिगमेंट्स आर सिंथेसाइज इन रिस्पॉन्स टू लाइट। इसका कहने का मतलब मेरा यह है कि प्लांट में पिगमेंट तब तक नहीं बनेंगे जब तक उनको लाइट नहीं मिलेगी। बच्चों ये याद रखना कि जिसको जितनी लाइट मिलेगी, अगर प्लांट को बहुत ज्यादा लाइट मिल रही है, सफिशियंट लाइट मिल रही है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट की सिंथेसिस करेगा और प्लांट ग्रीन कलर का दिखेगा, प्लांट हमारा ग्रीन कलर का दिखेगा। अगर हमें लाइट नहीं मिलती, जैसे इंडोर प्लांट्स होते हैं तो देखते हो कि उसका ग्रीन कलर कम होता है, वो ये तो येलो हो जाएगी या तो व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एलगी में देखें तो रेड एलगी ग्रीन नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो डीप होता है वाटर में डीप होता है तो उसको कम लाइट मिलती है, तो वो क्लोरोफिल पिगमेंट की जगह एसेसरी पिगमेंट ज्यादा बनाता है। फिर हमारी ब्राउन एलगी होती है और सबसे टॉप पे हमारी ग्रीन एलगी होती है। क्यों वो ग्रीन है? क्योंकि उसको सफिशियंट लाइट मिल रही है और वो पिगमेंट को सिंथेसाइज कर रही है, और पिगमेंट सिंथेसाइज हो रहा है तो ग्रीन कलर का हमें दिख रहा है। तो ये याद रखना कि व्हाट इज द रोल ऑफ, तो लाइट का बहुत ज्यादा रोल है। अगर लाइट नहीं होगा तो ना ही पिगमेंट बनेंगे, ना ही लाइट रिएक्शन होगी और ना ही एटीपी और एनएडीपीएच बनेंगे। जब नहीं बनेंगे तो डार्क रिएक्शन में क्या करोगे? साफ सी बात है, सेम वही होता है। अगर नहीं कमाओगे तो फिकाओगे कैसे, बनाओगे कैसे? तो कमाना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप अगर आपको पूछा जाए तो फोटोसिंथेसिस में पहले लाइट रिएक्शन होगी और फिर डार्क रिएक्शन होगी। लाइट रिएक्शन थैलोपॉइड में होगी और डार्क रिएक्शन कहां होगी? स्ट्रोमा में होगी। इस बात को याद रखना। तो अब अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये हम कहेंगे कि अब हमारे पास, मैं एक सीक्वेंस बना दे रहा हूं जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलेगी। इसका मतलब है कि लाइट रिएक्शन के लिए हमें चाहिए क्या? क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहां होंगे? थैलोपॉइड में होंगे, ठीक है ना? ठीक। और एज ऑब्वियस हमें क्या चाहिए? लाइट भी चाहिए, ठीक हो। फंक्शनल यूनिट को हम लोग बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट को हम बोलते हैं क्वांटासोम। याद रखना कि इसकी फंक्शनल यूनिट होती है वो क्वांटासोम होती है। 8 क्वांटा रिक्वायर होगी, क्वांटा रिक्वायर्ड टू रिलीज वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। रिलीज लॉजिक ये कहती है कि 8वें पोजीशन पे ही ऑक्सीजन आता है, पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये लाइट रिएक्शन होगी। इसका मतलब लाइट रिएक्शन में हमारे बनेगा क्या? एटीपी एंड NADPH2 या NADPH या DPH2 लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। और डार्क रिएक्शन में हमारे बनेगा क्या? डार्क रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन है हमारी, और इन डार्क रिएक्शन में होगा सिंथेसिस ऑफ सुगर। ओके, सुगर्स की सिंथेसिस होगी, ठीक। इसको हम एसिमिलेटरी पावर भी बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर। देखो बच्चों, एक और बात मैं तुम्हें बता दूं कि वो जानना बहुत जरूरी है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। याद रखना, अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि हु इज द रिजर्वायर ऑफ फॉस्फेट, तो एटीपी, क्योंकि उसका नाम ही है फॉस्फोराइलेशन। ओके, एटीपी सिंथेसिस। तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं फोटो फॉस्फोराइलेशन कहूं, फोटो फॉस्फोराइलेशन,
तो बच्चों ये हो जाएगा फोटो मतलब लाइट, लाइट की जगह लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बने फोटो। ऑक्सीडेटिव 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 फॉस्फोराइलेशन, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ एटीपी। ठीक है, अब एक लास्ट वन होता है सबस्ट्रेट। तो जो सबस्ट्रेट होता है वो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल, सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन। तो इसका मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। और बच्चों की बता दूं ये सबस्ट्रेट वाला होता है क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस में जो बनता है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है जो लाइट रिएक्शन में एटीपी बन रहा है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन तीन तरह के होते हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन जो लाइट की वजह से बने, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो ऑक्सीजन की वजह से बने, और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो सबस्ट्रेट की वजह से बने। आप देखिए भी होगी कि ग्लाइकोलिसिस में एटीपी बनती है, क्रेब्स साइकिल में भी एटीपी बनती है, तो वो क्या यूटिलाइज कर रहे हैं, सबस्ट्रेट को यूटिलाइज कर रहे हैं। अब वो सबस्ट्रेट है क्या, हमारा शुगर है, इसलिए सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन होता है। और यहाँ पे जब लाइट रिएक्शन होती है तो लाइट यूटिलाइज होता है एटीपी बनने के लिए, तो इसको फोटो फॉस्फोराइलेशन बोल देते हैं। अगर ऑक्सीजन हो रिक्वायर होती है, जैसे एटीएस साइकिल में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है तभी तो एरोबिक प्रोसेस है, तो उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। इवन आप जानते भी हो कि सबसे ज्यादा एटीपी वहीं प्रोड्यूस होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट इज द रोल ऑफ लाइट रिएक्शन। तो अगर लाइट रिएक्शन में एटीपी एनएडीएच नहीं बनेगा तो डार्क रिएक्शन नहीं होगा। तो बच्चों जो लाइट जो फॉस्फोराइलेशन है, अब जो फोटो फॉस्फोराइलेशन है उसको देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है, फोटो फॉस्फोराइलेशन वो दो तरह का होता है, फोटो फॉस्फोराइलेशन फॉस्फोराइलेशन ये दो तरह का होगा फोटो फॉस्फोराइलेशन। एक होगा नॉन साइक्लिक और एक होगा साइक्लिक। जो नॉन साइक्लिक होता है उसमें दोनों बोथ फोटो सिस्टम होते हैं, बोथ फोटो सिस्टम। और बच्चों जानते हो कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, फोटो सिस्टम। तो यहां होगा PS2 एंड PS1 दोनों होंगे, और साइक्लिक में ओनली PS1। ठीक, इसमें बच्चों बोथ ATP एंड NADPH फॉर्म होंगे इसमें, और इसमें ओनली ATP। तो अब हम लोग अभी जेड स्क्रीन में मतलब लाइट रिएक्शन को देखा, फोटो फॉस्फोराइलेशन को देखा। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन में हमने नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन देखा और साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। उसमें से जो PS2 होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है, और जो PS1 होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होता है। ये तो आप बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो PS1 होता है वही वाटर को ब्रेक करेगा, वाटर को ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन में, H2 में, ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रॉन होता है। ये ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है, तुम जानते हो ये ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, और यही यूटिलाइज, ये हाइड्रोजन कीमो ऑस्मोटिक थियरी में यूज होगा, कीमो ऑस्मोटिक थियरी में ये यूज हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन ग्रेडिएंट बनाने के लिए और एटीपी सिंथेसिस के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जेड स्कीम में आएंगे, ये जेड स्कीम में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा अपने आप, समझ लो कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब हम लोग चलते हैं कि जेड स्कीम में देखते हैं कि जेड स्कीम कैसे होता है। ठीक है, जेड स्कीम के बारे में, तो सबसे पहले जेड स्कीम में आपको क्या करना है कि आप बराबर यहाँ पे फोटो सिस्टम टू, और ये तुम्हें पता है ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ये जो लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये लाइट को लेते हैं और लाइट को ट्रांसफर कर देते हैं कहां पे, रिएक्शन सेंटर के पास, दिस इज कॉल्ड LHC। अब बच्चों यही वाटर को तोड़ोगे, वाटर को तोड़ना क्या कहलाता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है इसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे, जब करेंगे तो हमें पता है कि PS2 क्या होता है, 680 होता है, 680 तो ये एक्टिवेट हो गया ये, और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड फियोफाइटीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है जेड स्कीम का, तो दिस इज कॉल्ड फियोफाइटीन, इसको मत भूलना, ये बहुत पूछा जाता है। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम है कि लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और
एब्जॉर्ब करेंगे और रिएक्शन सेंटर को बोलेंगे। PS2 रिएक्शन सेंटर पता है तुम्हें 680 एनएम की लाइट को लेता है जो रेड लाइट के रिजल्ट में आता है, ठीक है। ये है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा प्लास्टोक्विनोन को, PQ मतलब प्लास्टोक्विनोन के पास ट्रांसफर कर देगा, ठीक। तो ये जो फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन प्लास्टो ये ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास ट्रांसफर कर देगा, इसके पास ट्रांसफर कर देगा। तो ये क्या होगा, यही ADP प्लस IP लेके ये क्या बना देगा, ATP बना देगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आया और ये इलेक्ट्रॉन फिर किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को ये रखते नहीं है, ये ट्रांसफर करते चले जाते हैं। साइटोक्रोम का काम ही है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना। तो अब तुमको पता चल गया कि कहां पे ATP बनेगा, तो जेड स्ट्रीम में ATP बनता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में बनता है। ये दे देगा इलेक्ट्रॉन PC प्लास्टोसाइनिन है, इससे क्वेश्चन रिलेटेड आया था कि यही कनेक्ट करता है, कनेक्ट PS2 एंड PS1 कि PS2 एंड PS1 फोटो सिस्टम को कौन कनेक्ट करता है, तो दैट इज कॉल्ड प्लास्टोसाइनिन। बच्चों लॉजिक बताता हूं, अगर आप देखना चाहो, अगर पूछे जाए कि कौन सा एलिमेंट होता है जो प्लास्टोसाइनिन में इन्वॉल्व होता है, तो प्लास्टोसाइनिन सी का मतलब होगा कॉपर, तो कॉपर इन्वॉल्व होता है प्लास्टोसाइनिन में, ठीक है। येलो कलर का भी होता है। अब हम आ जाते हैं कहां, PS1 के पास होते हैं। PS1 के पास की सेम यही होता है, लाइट वाइट लाइट हार्नेसिंग कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये 700 एनएम की लाइट को लेता है और ये सब इसको ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ही इसको मिलेगा 700 एक्टिवेट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा FES कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। वैसे तो देखो अच्छी साइकिल में पूरा बना रहा हूं, तो ये होता है A0 A1 होता है, FES X होगा, FES X A होगा, B होगा, लेकिन इससे भी हमारा काम चल जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, FNR कॉम्प्लेक्स को देंगे। FNR कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं फेरोडॉक्सीन NADPH रिडक्टेज, ठीक। और ये बच्चों क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को रख लेगा और ये NAD+ NADP+ H+ से ये क्या बना देगा, NADPH, ठीक है। तो हमने क्या देखा इस जेड स्कीम में कि भाई यहां से वाटर से हमने वाटर की फोटोलिसिस ऑफ वाटर किया, उसको ब्रेक किया, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन मिले, उस इलेक्ट्रॉन को हमने यूटिलाइज किया फॉर द जनरेशन ऑफ ATP एंड NADPH। NADPH फॉर्मेशन में PS1 इन्वॉल्व होता है, जबकि ATP फॉर्मेशन में PS2 इन्वॉल्व होता है। PS2 680 एनएम की लाइट को लेगा, जबकि PS1 700 लाइट लेगा। आप एक बात का ध्यान दीजिए, PS1 फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं कर रहा है, तो PS1 वाटर को नहीं तोड़ता, तो ये कभी भी ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा। तो याद रखना कि हमेशा जो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा वो कौन करेगा, PS2 करेगा, थोड़ा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें एक लॉजिक भी है, कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो कौन से एलिमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, का मांगे क्लोरीन कैल्शियम मैंगनीज और क्लोरीन होता है। तो पूछा जाए कि हु इज द इन्वॉल्व फॉर द फोटोसिंथेसिस और फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो आप बता देना कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होता है कैल्शियम मैंगनीज और क्लोरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत टिपिकल हो जाएगा तुम्हारे लेवल में। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स वो इलेक्ट्रॉन को बार बार देगा 680, जिसको अभी मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है, वो इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन को दे देगा और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसको मत भूल जाना। फियोफाइटिन फियो एफ से कहीं नहीं आता, फियो फर्स्ट ऐसे बोलना, फियो फर्स्ट, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन प्लास्टो क्यूनोन को देगा, वो प्लास्टो ये क्या है, प्लास्टो क्यूनोन इसको साइटोक्रोम को दे देगा, ये साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करके क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, यूटिलाइज करके नहीं, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ADP+ IP को कन्वर्ट कर देगा ATP में, और फिर ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन को दे देगा, जो कि प्लास्टोसाइनिन कनेक्ट कर रहा है PS2 और PS1 को। यही नीट में क्वेश्चन पूछा था, हु कनेक्ट द PS1 और PS2 को, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, PS1 को दे देगा। PS1 700 का, PS1 एक्टिवेट हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन FES कॉम्प्लेक्स को दे देगा, FeIron सल्फर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, FES कॉम्प्लेक्स। ये इलेक्ट्रॉन देगा FNR कॉम्प्लेक्स को, फेरोडॉक्सीन NADPH रिडक्टेज या रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स इसको बोलेंगे, रिडक्टेज या रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो आप लोग, रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स। और फिर वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन, तो
तो ये क्या करेगा, NADP++H+ इलेक्ट्रॉन को लेगा और NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ जिन स्कीम से हमने देखा कि हमारा दोनों बन गए, एक एटीपी भी बन गया और हमारा NADPH भी बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो PS1 है वो इलेक्ट्रॉन करेगा FES कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर करेगा पहला, और जबकि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेगा, Fe15 को करेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम योर जेड स्कीम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन होती है, जब इसको ऐसे करके देखोगे तो आपको जेड की तरह होगा। जब इधर जा रहे हैं तो इसको अपहिल बोलते हैं, अपहिल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर बोलेंगे, और जब इधर जाएगा तो इसको बोलते हैं डाउन हिल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डाउन नीचे की तरफ जाएगा तो डाउन हिल होगा और ऊपर की तरफ जाएगा तो अपहिल होगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बहुत सिंपल है, उसमें ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी यही बहुत इंपॉर्टेंट है।